गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह आज आप लोग के बीच आ गया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के। और इस वीडियो में भी दो स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को कराएंगे, तो आप लोग पूरा जो है ध्यान पूर्वक इन क्वेश्चंस को देखें, इसको कैसे बनाते हैं। तो दो क्वेश्चन जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन लेफ्ट में देखिए क्या कह रहा है कि वाई सेलिंग 125 कैसेट्स एंड गेंस एंड अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, तो फाइंड हिज गेन परसेंट। कहता है कि बाय सेलिंग 125 कैसेट्स, यानी 125 कैसेट्स को बेचने पर एक आदमी को जो होता है गेन होता है, और वो गेन प्रॉफिट में या रुपया पैसा में नहीं बताया, वो गेन इस प्रकार से बताया। कहता है गेन जो है ना 5 कैसेट्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 5 कैसेट का जितना सेलिंग प्राइस है ना उसी के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ है। कहता है 125 कैसेट्स बेचने के बाद किसी आदमी को जो है 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हुआ, यानी 5 कैसेट का जितना सेलिंग प्राइस बेचने वाला दाम होगा ना उसके बराबर उसको प्रॉफिट हुआ। तो बताइए कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, गेन परसेंट क्या होगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है, थोड़ा सा नोटिस करना है जो गेन दिया है या लॉस दिया उस पर। क्या कहता है, गेन एंड अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5, यानी 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर मेरे को एक कैसेट का सेलिंग प्राइस मालूम रहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 कैसेट का सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, और जब 5 कैसेट्स का सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो हम पहले एक कैसेट का सेलिंग प्राइस मानेंगे। क्यों, क्योंकि गेन जो है वो 5 कैसेट के SP के बराबर है, 5 कैसेट के क्या चीज़ के बराबर है, SP के बराबर। तो हम लोग भी एक वो किसका मानेंगे, SP मानेंगे, एक कैसेट का क्या मानेंगे, SP, CP नहीं, क्योंकि गेन जो है 5 गो के SP के बराबर है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर मानेंगे कि लेट द SP ऑफ 1 कैसेट, लेट द SP ऑफ 1 कैसेट। तो एक कैसेट का SP मान लिया मैंने ₹X, तो एक कैसेट का SP मैंने क्या मान लिया, ₹X। तो जो गेन हो रहा था, जो गेन हो रहा था उसके बारे में क्या बताया था कि SP ऑफ 3 कैसेट्स के बराबर है, SP ऑफ 3 कैसेट्स का बराबर है। तो अगर एक कैसेट का SP ₹X है तो 3 कैसेट का SP क्या होगा, ₹3X होगा, यानी जो मेरा गेन है वो रुपीज कितना हो गया, ₹3X हो गया। अब एक काम करते हैं, टोटल 125 कैसेट बेचा है, तो अगर एक कैसेट का मेरे को मालूम है ₹1 है, तो 125 कैसेट का क्या कॉस्ट होगा, सॉरी क्या सेलिंग प्राइस होगा, ये तो पता चल ही जाएगा क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस जानते हैं। तो टोटल 125 कैसेट का बिजनेस किया गया तो 125 कैसेट का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, जो क्या चीज़ का काम करेगा, टोटल सेलिंग प्राइस का काम करेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स, तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स। तो एक कैसेट का सेलिंग प्राइस ₹1 है, तो 125 कैसेट का 125 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद ₹125X आ गया, क्या चीज़, SP, कितना कैसेट का, टोटल कैसेट का, 125 कैसेट का। अब हमको चाहिए क्या चीज़ जी, तो चाहिए गेन परसेंट। और थोड़ा सा देखते हैं, गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाई CP × 100। तो गेन बराबर तो 3x मालूम है, लेकिन मरने को चाहिए गेन परसेंट के लिए CP, और CP तो मेरे को पता ही नहीं है, तो पहले मेरा क्या काम है, गेन परसेंट भी निकालने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका कॉस्ट प्राइस निकाले कि टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो भाई टोटल कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ, तो भैया 125 कैसेट बेच रहा है तो खरीदा भी तो 125 कैसेट होगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 125 कैसेट्स। तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे नहीं कि एक का भाई कॉस्ट प्राइस मालूम है तो 125 से गुना कर दिए तो 125 का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि एक का तो कॉस्ट प्राइस मेरे को मालूम है ही नहीं। तो दूसरा तरीका से निकालेंगे, तो दूसरा तरीका से क्या होगा कि एक फॉर्मूला होता है CP बराबर SP माइनस गेन, अगर SP में गेन को घटा देते तो क्या बचेगा, CP। तो उसी तरह से अगर टोटल SP में टोटल गेन को घटा देंगे तो क्या बचेगा, कॉस्ट प्राइस बचेगा, तो वही हो जाएगा। तो यहाँ पर वही टोटल SP, तो 125X मेरे को मालूम ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SP माइनस गेन,
तो टोटल एसपी 125x कितना है जी, रुपीज 125x माइनस क्या करेंगे, क्या करेंगे जी, गेन घटाएंगे, तो गेन कितना है, तो गेन है रुपीज 3x, ये घटा दिए तो बच गया कितना रुपीज, सॉरी लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गलती हम कर रहे हैं बारी बारी से, 5 कैसेट के बराबर होता है तो 5 कैसेट के बराबर प्रॉफिट होता है तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, तो यहाँ पर 5x घटाएंगे तो कितना बचेगा जी, 120x बचेगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना एक्स बचेगा, 120x क्या बचेगा, कॉस्ट प्राइस। हम थोड़ा सा गलती किए थे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट था, मैं निकाले जा रहा था 3 कैसेट का, नहीं वहाँ पर 5 कैसेट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा 120x सीपी बचेगा। अब गेन परसेंट निकाल सकते हैं, तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100%, तो गेन कितने का हो रहा है, तो गेन हो रहा है 5x का, तो 5x अपॉन सीपी, तो सीपी कितना x है, 120x इंटू 100%, x से x कट गया, 10 से 10 कट गया, और 2 के टेबल से काटेंगे तो ये 5, इसको 2 के टेबल से काटेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो यहाँ पर 5 इंटू 5 25 अपॉन 6% बदले होल में बदले तो 4 होल 1 अपॉन 6% आएगा, यानी इतने का गेन हुआ। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से है, लेकिन उसमें गेन नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बाय सेलिंग 33 मीटर क्लोथ, 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद ए शॉपकीपर लॉसेज एंड अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लोथ। तो कहता है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद एक शॉपकीपर को जो है 3 मीटर के एसपी के बराबर उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, यानी कुछ शॉपकीपर को लॉस हुआ, रुपया पैसा में नहीं लॉस को बताया जा रहा है, बल्कि लॉस को ऐसे बताया जा रहा है कि 3 मीटर का एसपी के बराबर, 3 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो हम पहले क्या करते हैं, 1 मीटर का सेलिंग प्राइस अगर मान लेते हैं तो 3 मीटर का सेलिंग प्राइस मानेंगे तो कम से कम लॉस तो निकल जाएगा ना, तो 1 मीटर का पहले सेलिंग प्राइस को हम कुछ मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन में हम पहले क्या मान लेते हैं कि लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ, तो 1 मीटर क्लोथ का सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया रुपीज एक्स, तो इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, और लॉस जो है वो क्या है, किसके बराबर है लॉस जी, तो लॉस जो है एसपी ऑफ 3 मीटर क्लोथ, एसपी ऑफ 3 मीटर क्लोथ, 3 मीटर क्लोथ के एसपी के बराबर है, 3 मीटर क्लोथ के एसपी के बराबर है। तो 1 मीटर का एसपी एक्स माने हैं तो 3 मीटर का एसपी कितना होगा, 3x होगा भाई, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 3x हो गया, तो ये निकल गया लॉस। लेकिन 1 मीटर का अगर एसपी मालूम है तो टोटल 33 मीटर का बिजनेस किया गया तो टोटल एसपी भी निकल सकता है, क्योंकि 1 मीटर का एसपी मालूम है तो 33 मीटर का एसपी 33 से मल्टीप्लाई करने के बाद निकाल सकते हैं। तो टोटल एसपी ऑफ 33 मीटर क्लोथ, तो टोटल एसपी ऑफ 33 मीटर क्लोथ, तो 1 मीटर का एक्स है तो 33 मीटर का 33x हो गया। अब यहाँ पर हमको चाहिए फिर क्या चीज़ का फॉर्मूला, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट में क्या होता है, लॉस बाय सीपी इनटू 100, तो परसेंट, तो लॉस तो मेरे को मालूम है 3x है, लेकिन सीपी फिर मालूम नहीं है, सीपी फिर मालूम नहीं है, तो पहले सीपी निकालेंगे। तो भैया यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस लॉस, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस्ट प्राइस आ जाता है। यानी हमको निकालना अब यहाँ पर टोटल कॉस्ट प्राइस, क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना, तो 33 मीटर बेच रहा है भाई, तो खरीदा भी तो 33 मीटर होगा, तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 33 मीटर क्लोथ, लेकिन इसका स्टाइल क्या होगा, तो एसपी प्लस लॉस, किस स्टाइल से निकलेगा, एसपी प्लस लॉस, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ेंगे तब, तो सेलिंग प्राइस है 33x और लॉस कितने का हो रहा है, 3x का हो रहा है, तो रुपीज कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये हो गया सीपी, ये क्या हो गया जी, सीपी हो गया।
अब हम लॉस परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस बाई सी पी इंटू 100%। तो लॉस कितना हो गया जी, तो लॉस हो गया 3x और सी पी कितना हो गया 36x इंटू 100%। अब यहाँ पर x से x कट गया, 3 से 36 को काटे तो 12 आ गया, 4 के टेबल से काटे तो 3 आ गया, 4 के टेबल से काटे तो 25, यानी बोले तो 25/3% आएगा, बोले तो 8 whole 1/3% का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस वाला रहेगा कि इतना बेचे तो इतना के एसपी के बराबर गेन हुआ, इतना बेचे तो इतना के एसपी के बराबर लॉस हुआ, तो ऐसा बना सकते। लेकिन इसमें क्वेश्चन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इतना बेचने के बाद इतना के सीपी के बराबर लॉस हुआ या सीपी के बराबर गेन हुआ, तो ऐसे क्वेश्चंस में एक का सीपी मानेंगे फिर टोटल सीपी निकाल लेंगे। अब भैया फिर क्या हो जाएगा, गेन परसेंट निकालना है, तो गेन बटा सीपी, तो गेन ऑलरेडी निकाल चुके हो, सीपी भी टोटल एक ही बार में निकल गया डायरेक्ट, तो गेन बटा सीपी इंटू 100। जैसे क्वेश्चन में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, यही पर यहाँ पर कहते हैं बाय सेलिंग 33 मीटर क्लोथ ए शॉपकीपर लॉसेज एंड अमाउंट इक्वल टू द एक शॉपकीपर को लॉस हो रहा है किसके बराबर, तो कॉस्ट प्राइस के बराबर, यानी सेलिंग प्राइस ने कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 मीटर क्लोथ, तो यहाँ पर जो लॉस हो रहा है 3 मीटर के सीपी के बराबर हो रहा है कॉस्ट प्राइस का। तो तुम लोग क्या मानोगे भाई, 1 मीटर का सीपी क्या होता है, 1 मीटर का सीपी मानेंगे, एसपी नहीं मानेंगे, 1 मीटर का क्या मानेंगे सीपी, तो 1 मीटर का सीपी एक्स मानेंगे, तो जो लॉस हुआ है वो क्या हो जाएगा सीपी ऑफ 3 मीटर के बराबर। तो 1 मीटर के सीपी को एक्स माने हैं तो 3 मीटर के सीपी कितना होगा 3x, ये तो लॉस निकल गया। लेकिन पहले क्वेश्चन में क्या निकालते थे, टोटल एसपी, क्यों, क्योंकि एक का एसपी मालूम रहता था तो टोटल निकल जाता था, लेकिन अब क्या मालूम है, एक का सीपी मालूम है ना, तो अब क्या निकलेगा टोटल सीपी निकलेगा, टोटल एसपी वाला लाइन डिलीट हो जाएगा और टोटल क्या निकलेगा सीपी। तो कैसे निकलेगा भाई, तो 1 मीटर का सीपी अगर 100 रुपया है तो 33 मीटर का सीपी कितना होगा 33x होगा, तो अब निकल गया सीपी। तो अब हमको चाहिए फॉर्मूला किसका, लॉस परसेंट का, किसका फॉर्मूला चाहिए जी, लॉस परसेंट का, तो लॉस अपॉन क्या, लॉस परसेंट का अगर फॉर्मूला चाहिए तो क्या फॉर्मूला होगा, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100%। तो भाई आपको लॉस ऑलरेडी मालूम है कितना 3x और सीपी, तो सीपी अभी मालूम हो चुका है 33x, यानी उस क्वेश्चन में अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें सेलिंग प्राइस आता था तो उसमें हमको कॉस्ट प्राइस निकालना मजबूरी था तो निकालते थे, लेकिन इसमें ऑलरेडी टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाता है और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के लिए मेरे को सीपी चाहिए होता था और सीपी ऑलरेडी आ चुका है, तो लॉस अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर रुपीज से रुपीज कट गया, x से x कट गया, 3 के टेबल से काटे थे 11 आ गया, तो ऊपर में बच गया 100 और नीचे में कितना बच गया 11, तो 100/11% हो गया, तो 9 whole 1/11% का यहाँ पर लॉस हो रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। प्रॉफिट वाला में भी वैसे ही होगा कि इतना के सीपी के बराबर प्रॉफिट है, तो एक का सीपी मान करके प्रॉफिट जितना के सीपी निकालेंगे, फिर टोटल सीपी निकाल करके और प्रॉफिट परसेंट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कहना चाहेंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर किए। अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज योर सपोर्ट मेक मी स्ट्रांग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, इन्जॉय योर डे।